वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। साधन दो तरह का होता है, एक कर्ण सापेक्ष एक कर्ण निरपेक्ष। कर्ण सापेक्ष साधन, एक कर्ण निरपेक्ष साधन। कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष दो तरह से साधन होता है। कर्ण सापेक्ष में तत्काल सिद्धि नहीं होती और कर्ण निरपेक्ष में देरी नहीं होती, तत्काल बात तत्काल सिद्धि होती है। ये बात हर एक आदमी समझता नहीं, क्यों नहीं समझता? कर्ण सापेक्ष के यही प्रचार है, उसी को जानते हैं, कर्ण निरपेक्ष को जानते नहीं। सिद्धि कैसे जाएगा? धीरे 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 होता है, प्रकृति का कार्य परमात्म तत्व के धीरे धीरे बात नहीं है। धीरे वो होता है जो उत्पत्ति हो, विनाश हो, आवय हो, जावे, संयोग और वियोग, घटता और बढ़ता, ऐसा उसका सही, उसका जल्दी उसकी प्राप्ति जल्दी नहीं होती। वो पैदा होगा तो प्राप्ति होगी, ना आना है ना जाता है, ना पैदा होता है ना मरता है, ना संयोग होता है ना वियोग होता है, स्वतः सिद्ध निरंतर है। जो गति रहता है उसमें कर्ण की क्या अपेक्षा है? उसमें देरी क्यों ना, उसमें देरी का कोई कारण नहीं। तत्काल सिद्धि होती है, तत्काल कैसे हो जाएगी? तत्काल कैसे हो जाएगी? हाँ सा कैसे हो जाएगी? हाँ सा नहीं होगी, हाँ सा ठीक। उल्टी गांठ भुला देते हैं अपनी। बताओ, मैं आपसे पूछू, आप है कि नहीं है? किसी के संदेह हो कि मैं हूं कि नहीं हूं, पता नहीं।
अथवा मैं नहीं हूँ तो वो बोले, जिसके मन में ऐसा होगा मैं नहीं हूँ तो वो बोले, अथवा मेरे होने का मेरे को पता नहीं मैं हूँ और नहीं हूँ वो बोले। बोलो तो कोई नहीं बोलता। तो मैं हूँ ये आपके जानी हुई बात है, सच्ची बात है। मैं नहीं हूँ कैसे कह दिया जाए, और मैं हूँ नहीं समझे की बात कैसे हो, तो निसंदेह मैं हूँ। अब इसमें विचार करना थोड़ा, आप पैसों का विचार कर लेते हो, ठगाई का विचार आप कर लेते हो, इनकम टैक्स कैसे बचे बड़ी युक्तियां सोच लेते हो, सेल टैक्स कैसे बचे बड़ी चतुराई कर लेते हो, अरे वो ठग रहा चकमा देना धोखा देने में बुद्धि लगाते हो, और इसमें बुद्धि लगाते ही थोड़ी लगाओ, थोड़ी कृपा करो, कृपा ना इसमें भी बुद्धि लगाओ। मैं हूँ ये ज्ञान किस कारण से है, ये आंखों से है, कानों से है, नाक से है, जीभ से है, त्वचा से है, हाथों से है, पैरों से है, मन से है, बुद्धि से है, अहंकार से है, किस से है, मैं हूँ ये ज्ञान किस कारण से है बताओ, समझ कर बताओ, सोच करके। इसमें इस भगत को और इस विषय को फालतू समझ रखा है, असली इसको असली नहीं समझा है, और वास्तव में जन्म इस तत्व को जानने के लिए ही हुआ है, धन कमाने के लिए जन्म नहीं हुआ है, भोग भोगने के लिए जन्म नहीं हुआ है, ये मनुष्य का जन्म केवल इस तत्व को जानने के लिए ही हुआ है, क्योंकि जानने की शक्ति इसी में ही है, विवेक इसी शरीर में दिया है, देवताओं में भी ऐसी बात नहीं है, जैसा अधिकार मनुष्य को मिला है इस तत्व के लिए ही मिला है, इस तत्व की उपेक्षा हो रही है, परवाह नहीं, बेपरवाह नहीं, फालतू सीधा। अब रुपया मिलता है तो बड़ी तेजी से उस विचार को होगा, अरे चेष्टा होगी, अरे में यही रह जाएंगे, मर जाओ तो रुपये यही रह जाएंगे, साथ में चलेंगे नहीं, और ये जितना जान लिया है अनंत जन्म हो जाए तो भी ये जाएगी नहीं चीज, ये साथ रहेगी, कितनी पक्की बात है। कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष क्या होता है, जो कर्ण से जैसे कलम से देखा जाता है, जैसे आग से देखा जाता है, जैसे जबान से बोला जाता है, रसना से जैसे रस रखा जाता है, त्वचा से जैसे स्पर्श किया जाता है, हाथ से लेना देना जैसे होता है, पैर से जाना जैसे होता है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, नेत्रों के द्वारा नहीं होती, उसको कर्ण निरपेक्ष कहते हैं। ये इनके द्वारा जो प्राप्ति होती है वो कर्ण सापेक्ष है, ये कर्ण से कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकर्म ये सब के सब प्रकृति और प्रकृति के राज्य में है, प्रकृति से अतीत राज्य में ये नहीं है, न कर्तृत्व है, न कर्म है, न कर्ण है, न संप्रदान है, न अपादान है, न अधिकरण है, यह ही नहीं कर कार्य का ही नहीं, इस बात से वो नित्य है, कार्य को सिद्धि की जाएगी, बढ़ाई जाएगी, मिट जाएगी, उत्पन्न होगी, नष्ट हो जाएगी, संयोग होगा, वियोग हो जाएगा, उसका वियोग होता ही नहीं, क्यों नहीं होता, कि वो कर्ण साध्य नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है, तो कर्ण निरपेक्ष तत्व है, जैसे आप अपने को जानते हो तो किसी कर्ण के द्वारा थोड़ी जानते हो, गहरी नींद में कोई कर्ण नहीं रहता, सब कर्ण लीन हो जाते हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि आम में, विद्या में कोई कर्ण नहीं रहता, फिर भी गार नींद से जगते हो तब ये भान होता है अब मैं पैदा हुआ हूँ, इंद्र में नहीं था ऐसा होता है क्या, कर्ण सब लीन हुए तो भी मैं तो मैं था, सुसुप्ति में था, मेरे कुछ भी पता नहीं था,
तो कुछ पता नहीं था, इसका पता तो था ही, नहीं तो कैसे कहते कुछ पता नहीं था। तो आप मौजूद थे, तो कर्ण का ज्ञान है वो, बोले ये कर्ण विपक्ष ज्ञान है। सुषुप्ति में जो अपनी सत्ता का ज्ञान है वो कर्ण निरपेक्ष ज्ञान है, किसी कर्ण के द्वारा नहीं है। तो जैसे वो आप कर्ण निरपेक्ष अपने आप को जानते हैं, ऐसे परमात्मा तत्व है वो भी कर्ण निरपेक्ष है। अपना है वो परमात्मा का अंश है ना, प्रकृति स्थानीय कर सती मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थानीय प्रकृति में रहती है, उसको ये अपनी मानता है। पर जो है ममे वंश अंश मेरा है, वो मेरा है, वो परमात्मा भी कर्ण निरपेक्ष है, ये भी स्वयं कर्ण निरपेक्ष है। इसका होना कोई कर्ण की अपेक्षा से नहीं, कर्ण की मौजूदगी से, कर्ण की आवश्यकता से नहीं, कर्ण के द्वारा ये होगा। ऐसे परमात्मा तत्व है, केवल ये मान लोग है, जिसमें है अपना। मैंने कल बताया था कि तू प्रत्यक्ष बात है के साथ दूसरी चीजें आप लगा देते हो, मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है कि जड़ है कि चेतन है कि स्थावर है कि जंगम है, ये लगाई हुई चीजें है, ये तो अलग है वो क्या भाई है, पर क्या पड़ा, मनुष्य तो है, पशु है तो है, ईंट है तो है, पत्थर है तो है, मकान है तो है, वृक्ष है तो है ये फर्क है। इसी तरह साथ में चिपकाते हो, ये सब कर्म सापेक्ष है और है वो कर्म निरपेक्ष। अभी बने आप कान से सुन लो, जबान से कह दो तो कर्ण सापेक्ष हो गया, जबान से बोले है तो कर्ण सापेक्ष हो गया, कानों से सुना है तो कर्ण सापेक्ष हो गया। पर है जो होनापन है वो होनापन कर्ण सापेक्ष नहीं है। ये होनापन जो सत्ता है, होनापन होनापन कर्ण के सापेक्ष हो सकता है, आपका ज्ञान उस कर्ण सापेक्ष हो सकता, पर होनापन तो स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध परमात्मा के साथ संबंध स्वतः है आपका। अब केवल ये मान लो परमात्मा है, मैं नहीं जानता हूँ, भले मत जानो परमात्मा है, इसमें संदेह नहीं है। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ये सब सच्चे सच्चे कहते हैं, धोखा देने वाला नहीं है, ना संत धोखा देने वाला है, ना भगवान धोखा देने वाला है, ना महात्मा को धोखा देने वाला है। समझने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष परमात्मा के प्रेमी किसी को धोखा नहीं देते। तो वे कहते हैं परमात्मा है तो है, तू नहीं को कहते, बिना बिना वही कहते, नींद में कहते हैं है। तो है को आप पकड़ लो, अभी शायद समझ में ना आवे ना सही, समझ में कैसे आवे, कर्ण निरपेक्ष है, कर्णों के द्वारा आप समझोगे, कर्ण के द्वारा कैसे समझ में आएगा। भीत को पकड़ना चाहिए हाथ में आ जाए, हाथ में भीत कैसा, भीत बड़ी है हाथ छोटा, ऐसे कर्ण सब के सब मिलकर कर्ण छोटे है, परमात्मा बड़ा है, वो कर्ण की कमज में कैसे आ जाएगा। है माना पड़ेगा, है परमात्मा को है मान लो अथवा न मान लो, मैं नहीं है जिसमें से समझौता है, जिसमें आस्तिक पुरुष है भगवान को मानते हैं, संतों को मानते हैं, भेदों को मानते हैं, शास्त्रों को पुराणों को मानते हैं, वो भी नास्तिक नहीं होते, नहीं है ऐसा कैसे मानेंगे, उनको मानते हैं, ये सब कहते है तो केवल है इतना मानना। तो मान्यता क्या समीकरण करने संबंधी, मान्यता है परमात्मा की, ये श्रद्धा सापेक्ष कह सकते हो, श्रद्धा हो गया, हाँ जी, मान लेनो, मान लेनो का निरपेक्ष है। अरे भाई मैं कहता हूँ मौखिक चीज भी ऐसी है, कर्ण निरपेक्ष है, ये मेरी स्त्री है, ये मान्यता के सिवाय किस कारण से साध्य बताओ,
विद्युत से मान्यता मेरी सी है। अपरिचित आदमी को पूछो, दो चार आदमी खड़े हैं, दो चार स्त्रियां खड़ी है, किस पुरुष की किस स्त्री है बता दे। आप बता दो तो वही कह देगा हाँ मैं आ जाऊंगा। पहचान तो नहीं है, मानता ही है। अब मानी हुई है, आप किसको मानी हमें क्या पता। आप बताओ मैंने किस चीज है, हम कहते हैं तुम्हारी स्त्री तुम्हारे हम हमें हम ही बता दें। जैसे मैं हूँ ही, मैंने तो कोई संदेह रही था और मैं कोई मानता, तो ऐसे मैं परमात्मा को हूँ या परमात्मा है, ये विशेष बात है। जो विशेष बात ये है कि आप अनेकों के पण से हो, तो अनेकों के पण से शर्म नहीं आती, एक अपन जो क्या हर जाए। मान्यता यदि गहराई से मान्य भगवान को भगवान का और नहीं हो, ये ठीक हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। जिसमें आधा माना दूसरों का मैं नहीं हूँ, किस विषय में कि लेने के लिए नहीं हूँ, देने के लिए हूँ, माँ का बेटा हूँ, स्त्री का पति हूँ, पुत्र का बाप हूँ, तो उनकी सेवा करनी हूँ, सेवा करने के लिए इनके साथ संबंध है और मेरा कोई संबंध, मेरे लिए कोई संबंध नहीं है, निहाल हो जाओगे। आदि संसार में मान लो, मतलब आदो मान्यता संसार में है, आदि मान्यता संसार में, सेवा करने के लिए मेरा, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा निहाल हो जाओगे। अब इसमें कठिनता क्या है बताओ। आप रोटी खाओ, पानी पियो, सो जाओ, नींद रहो, मकान में रहो, व्यापार करो, दुकानदारी करो, कोई मना नहीं, कोई बाधा नहीं। बाधा मेरे को पूछो, अगर करके देखो फिर बाधा आवत, मेरे पूछो कि तेरे मानस से ये हमारी बाधा आ गई, मेरे तो मेरे धर्म को पार कोई दूसरा ही नहीं, मेरा मर जाऊंगी आप है, वो मेरा है, मेरा है। दी गए तो न दी गए तो, जाना तो न जाना तो, आवे तो जावे तो, वो अंतर ध्यान हो जाए तो, प्रकट हो जाए, किस लिए हो जाए, मेरा है। बच्चा कहता है मेरी माँ है, पूछ रहा है माँ क्यों है तेरी, ये दूसरी बैठी है ना, ये नहीं माँ, मेरी माँ ये है, चट गोदी में चला जाता है, मेरी माँ है, पूछ रहे क्यों है, क्यों कह, वो जानता है इस जन्म हुआ, याद है उसको, मानता है जो क्योंकि माँ के बिना पैदा हो नहीं सकता, ऐसा माँ का हूं, ऐसे मैं मूल में हो नहीं सकता बिना परमात्मा के, परमात्मा का हूं, बिना माँ के बच्चा बच्चा कैसे होगा। तो माँ हूँ, माँ कहूँ मैं, माँ मेरी है, मेरी माँ है, ऐसे आर्य में माँ के कौन है, परमात्मा तो मेरे माता पिता तो मेरे मूल में परमात्मा है, नहीं तो आप आए कहाँ से, पृथ्वी कहाँ से आई, समुद्र कहाँ से आया, सूर्य नवा कहाँ से आया, तारा नक्षत्र कहाँ से आया, आकाश वायु कहाँ से आए, परमात्मा से आए, परमात्मा है मूल में, सबका बाप वो है, परम पिता परमेश्वर है, ये हमारा है, वो हमारा है, इसी तो बात है, निर्दोष मानस होती है ही ऐसा। और संसार हमारा नहीं है, क्योंकि संसार पहले नहीं था हमारा, पीछे हमारा नहीं रहेगा, बीच में हमारा वो भी वियोग हो रहा है, हर सम शरीर मर रहा है, ये भी साथ रहता नहीं है, मरता है नहीं। कहा तो इसको मान लो ना, तो शंका करो, निषेध करो कि नहीं है, अथवा शंका करो कि ये संदेह है, हमारे है। और नहीं मानो तो साफ नहीं कर दो, नहीं मानेंगे। मैं तो बात ऐसी बताऊं, ये आपको नहीं जी लगेगी, सबको नहीं क्या लगे, हमारे बात सुनते हैं, पर सुनते
हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, याद नहीं करेंगे, आज पर का नियम हुआ। 24 घंटा में भगवान का नाम नहीं लेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे। आप नियम निभाओ अगर है हिम्मत तो, अभी से लेकर कल इस समय तक कोई भी लोग नहीं, जिस भाई भरती है निहाल हो जाओगे। दूसरे तो भजन करने से कहते, हम भजन नहीं करने से कहते, पाठ पर निभाते होंगे, नाम नहीं लेंगे, पाठ नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, विदय नहीं पढ़ेंगे, भगवान की बात कोई तरीके से ऐसे नजीक नहीं पटने देंगे। आठ कौन कर दे नहीं सीखा, रह नहीं सीखा, रहो तो करो, करो हिम्मत किसी की हिम्मत करो। अभी से कल इस समय तक भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान की याद नहीं करेंगे, भगवान दर्शन नहीं करेंगे, मंदिरों में नहीं जाएंगे, सुनेंगे नहीं, कथाएं नहीं सुनेंगे, कीर्तन भी नहीं सुनेंगे, हम करेंगे याद नहीं करेंगे, नाम नहीं करेंगे, पक्का नहीं भाव। तो कहा तो भजन करो भाई, ऐसा न करो। तीसरी बात आप बताओ क्या है? और कहा तो हम छोड़ेंगे नहीं, याद रखो, कहा तो हम तो बिल्कुल पकड़ेंगे, याद नहीं करेंगे, नाम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ले लो। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। का तो तिल कोरा भला, काली जे तेल कढ़ाए, अरे अदबिसली कूलर बड़ी बुरी, तीन ढोक लगा, ना तेल है, ना तिल है, ना खल है, तो क्या है? न तिल रहे, न तेल रहा, न खर रही, ऐसी बात है। न तो भगवान को मानते है, न नहीं मानते है, इसी से ठीक है। एक तरफ करो, नाल हो जाओ, बोलो, करो हिम्मत। ऐसी बात है, देखो गोल होता है, किधर से आओ वो एक जगह जाएगा, ये दुनिया नहीं आएगा, गोल है वो, दुनिया गोल है, सब गोल है, उसमें गोल है, गोल सब गोल है, ये बात है, दुनिया गोल है, बस है, गोल ही है, आप लोग भाषा है गोल, उसमें गोल माल होगी, गोल 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 दुनिया गोल है, आकार नहीं गोल है, गोल ना कुछ नहीं बना, गोल है बस, गोल ही कुछ नहीं, अभाव का ना कुछ नहीं है, कभी गोल ही है, गोल निकल गया, गोल भी कुछ नहीं, बस गोल ही निकल है कि नहीं भाषा गोल है, गोल आवे वो गए ने विजय समय दोनों सामने बिंद लिख दी, क्या विषय बोले, हमारे तो गोल पर सब है, नारायण 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 नारायण, महाराज बिंदी आते अंक समाप्त हो जाते हैं।